और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज पुणे में खेला जाएगा। भारतीय टीम के लिए हर हाल में इस मैच को जीतना जरूरी है, क्योंकि यह मैच भारत के लिए करो या मरो वाला है। पहले वनडे में मिली हार के बाद भारतीय टीम पर सीरीज में बने रहने का दबाव काफी बढ़ गया है। भारतीय टीम अगर आज का मैच हार जाती है तो सीरीज भी गंवा देगी। आज यहाँ होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के मैच को लेकर पिच फिक्सिंग के आरोप सामने आए हैं। एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया है कि पिच को बैटिंग और स्पिनर्स के हिसाब से तैयार किया गया है। इस मामले में पुणे क्रिकेट ग्राउंड के पिच क्यूरेटर पांडुरंग सलगांवकर का नाम सामने आया है। इसके बाद उन्हें मैच से अलग कर दिया गया है। अब BCCI का पिच क्यूरेटर पिच की देखरेख कर सकता है। मैच से पहले BCCI के कार्यवाहक अमिताभ चौधरी ने कहा है कि मीटिंग के बाद ही मैच के होने पर फैसला लिया जाएगा। ICC के मैच रेफरी पिच इंस्पेक्शन के बाद फैसला लेंगे। स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया कि जब पांडुरंग से दो प्लेयर्स के लिए खास तौर पर पिच बदलने की बात की गई, तो उनका कहना था कि ऐसा हो जाएगा। पिच क्यूरेटर के अनुसार ऐसी पिच तैयार की गई है जिस पर 340 का स्कोर आसानी से बनाया जा सकता है।